आज मैं क्लास 12th में दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन लेकर आया हूँ, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या नीट जैसे पेपर में ये पूछा जाता है। सबसे पहले आपको समझना है कि दोहरा निषेचन होता क्या है। तो यह जो निषेचन होता है केवल और केवल किसमें पाया जाता है, आवृत बीजी पौधों का यह मुख्य लक्षण होता है, जिसमें कि त्रिसंलयन और युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। भ्रूणकोश के अंदर, भ्रूणकोश के अंदर जो होगा दो प्रकार का संलयन होता है, यानी कि एक युग्मक संलयन जिसको हम सत्य निषेचन भी बोलते हैं, और एक होता है त्रिसंलयन जिसके फलस्वरूप बनता है आपका भ्रूणकोश। तो इसी को दोनों को मिला करके भ्रूणकोश के अंदर दोनों प्रक्रियाएं होती है, इसलिए उसको बोलते हैं आप दोहरा निषेचन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे इसमें क्या होता है। सबसे पहले यह आवृत बीजी पौधों का, आवृत बीजी पौधों का विशेष लक्षण होता है जिसमें जिसमें परागकण द्वारा निर्मित दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक भ्रूणकोश में स्थित मादा युग्मक के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है जिसे युग्मक संलयन कहते हैं, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं, या इसी को हम सत्य निषेचन भी कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, तथा दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के मध्य स्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का जिसको बोलते हैं PEN का निर्माण करता है निर्माण करता है जो विकसित होकर जो विकसित होकर
विकसित होकर विकसित होकर भ्रूणपोष यानी त्रिगुणित त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है निर्माण करता है। करता है जिसे त्रिसंलयन कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं। जिसे त्रिसंलयन कहते हैं आप देखेंगे कि सबसे पहले कि दोहरा निषेचन होता क्या है। दोहरा निषेचन को आप कहेंगे कि इसमें दो बार निषेचन होगा, एक होगा युग्मक संलयन, दूसरा होगा त्रिसंलयन। आप देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ है त्रिसंलयन और युग्मक संलयन। पहले शॉर्टकट में आपको बताना है किसी को कि दोहरा निषेचन क्या होता है। आप कहेंगे भ्रूणकोश के अंदर दो प्रकार के निषेचन होते हैं, पहला है त्रिसंलयन या कोई भी नंबर कह सकते हैं, पहला युग्मक संलयन दूसरा है त्रिसंलयन। इसलिए दो प्रकार के निषेचन हो रहे हैं, एक त्रिसंलयन और दूसरा युग्मक संलयन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोहरा निषेचन। तो इतना बता देंगे तभी चलेंगे, पूरा डिटेल है कि कैसे कैसे क्या होता है। जब नरयुग्मक आता है तो एक अभी फिगर के साथ ही बता देंगे, इसमें क्लियर हो जाएगा। तो जिसे बोलते हैं त्रिसंलयन। इस प्रकार भ्रूणकोश में दो प्रकार के निषेचन होते हैं, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। तो आपको दोहरा निषेचन समझ में आना चाहिए कि दोहरा निषेचन क्या है कि दो बार निषेचन होगा, एक बार मादा युग्मक के साथ संघनित होगा, दूसरा एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीय केंद्रक के साथ जो कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह भी एक अलग टॉपिक बनता है कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, तो पूरी प्रक्रिया आपको बताई गई है कि जो त्रिगुणित डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कि बताया कि आवृत बीजी पौधों में जो भ्रूणपोष होता है उसकी प्लाइडी क्या होती है, अगुणित द्विगुणित त्रिगुणित, तो कैसा होता है त्रिगुणित होता है। ये क्वेश्चन इस साल भी आया था और लगभग हर साल ये पेपर में बनता है। जब भ्रूणपोष अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारी चीजें और ऐड करके बताएंगे आपको। तो अब इसमें देखेंगे कि इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। जैसे आपको अगर एक लाइन में अगर समझना है कि दोहरा निषेचन होता क्या है तो आप ऐसे आप कर समझ सकते हैं दोहरा निषेचन। तो इसमें आप कह सकते हैं कि युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, जो युग्मक संलयन होता है ये बना लेता है क्या युग्मनज, और जो युग्मनज होता है कैसा होता है टूजन होता है, और जो त्रिसंलयन होता है वो बना लेता है आपका भ्रूणपोष और ये होता है आपका थ्रीएन। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लाइडी बन जाती है क्या बन जाती है फाइवएन। तो अलग अगर पूछा जाए कि दोहरा निषेचन के पश्चात जो प्लाइडी बनती है कितनी होती है फाइवएन हो जाती है। आप देखेंगे इसमें ये हो गया त्रिसंलयन। तो दोहरा निषेचन में क्या आएगा दो आपके संलयन हो गए त्रिसंलयन और युग्मक संलयन, इसलिए को बोलते हैं दोहरा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर फिगर के साथ इसको समझाते हैं कि कैसे होता है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। तो सारी चीज जो लिखी हुई है आप इसको फिगर से बहुत आसानी समझ सकते हैं दोहरा निषेचन को। दोहरा निषेचन को समझने के लिए आपको फिगर भ्रूणपोष का समझना पड़ेगा कि भ्रूणपोष में होता क्या है। तो आप देखेंगे जो भ्रूणपोष का फिगर होता है आप देखेंगे यहां से दोहरा निषेचन को समझने के लिए आपको
आप देखेंगे जो ग्लूकोस होता है, जो ग्लूकोस है इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऊपर की तरफ ये जो होती हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। जो बीच में होती है सेंट्रल सेल होती है, जिसमें होती है आपकी द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। ये चीज, ये क्या, किसका फिगर है आपका? भ्रूण कोष का। अब देखेंगे प्रतिमुख कोशिका इसी को बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये होती है आपकी, ये दोनों जो होती हैं सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका है। जिसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। आज जो बीच में है इसको बोलते हैं हम एग सेल, एग सेल यानी मादा युग्मक। यह मादा युग्मक, यह मादा युग्मक। अब आप देखेंगे कि यही पूरी चीज उसमें डबल फर्टिलाइजेशन में आपको बताई गई है। जब भी कोई, यानी कि जो आयुर्वेदी पौधे होते हैं उसमें दो नरयुग्मक बनते हैं, एक पालिंग्रेम से, एक परागकण से दो नरयुग्मक बनते हैं। और यहां से जब कोई पालन ट्यूब इंटर करता है तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे उभार के रूप में इसमें सिनर्जिक कोशिकाओं में से उभार होता है, जिसको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म अपरेटस। इसका नाम होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, या इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म उपकरण। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ पाया जाता है, तो सहायक कोशिका में होती है। सहायक कोशिका में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसमें नर युग्मक जो होता है आकर के रिलीज होता है, मुक्त होता है। इसके बाद यहाँ पे जो स्थित है एग सेल इसके साथ फ्यूज हो जाता है, यानी जो एक नर युग्मक होता है इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। और दूसरा आता है आपका, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से कोई पालन ट्यूब आती है, पालन ट्यूब मान लीजिए यहाँ से आ रही है, बगल से आप दिखा सकते हैं कि पालन ट्यूब की जो एंट्री होती है तीन प्रकार से हो सकती है। अगर माइक्रोपाइल की तरफ से होती है तो इसको बोलते हैं हम पोरोगैमी, सामान्यतः यही होती है एंट्री। ये पालन ट्यूब के द्वारा ही यहाँ पे दो नरयुग्मक आते हैं, और ये दोनों नरयुग्मक कहाँ पे आते हैं, इस सिनर्जिड कोशिकाओं में रिलीज होते हैं, यानी सहायक कोशिका में रिलीज होते हैं। और यहाँ पे जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ये पालन ट्यूब को गाइड करता है। तो आपको यहाँ पे नोट में याद करना चाहिए कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, यानी कि जो फिलीफॉर्म है, फिलीफॉर्म अपरेटस है, वह पालन ट्यूब को गाइड करता है, यानी कि जो पराग नलिका है, पराग नलिका, पराग नलिका को गाइड करता है, गाइड करता है। मतलब निषेचन के लिए पराग नलिका गाइड करता है कि मादा युग्मक कहाँ है, या आप कह सकते हैं कि मेल गैमेट को गाइड करता है। तो आप देखिए यही है क्या दोहरा निषेचन, जो दो नरयुग्मक आते हैं, एक नरयुग्मक ये है तो एक नरयुग्मक फ्यूज हो जाता है इस मादा सेल से, यानी आप कह सकते हैं कि यहां पे मादा युग्मक, मादा युग्मक का फ्यूजन होता है किसके साथ, इस नरयुग्मक के साथ, नरयुग्मक। और दूसरा जो न्यूक्लियस है ये चलाता है यहाँ पोलर न्यूक्लिया के साथ, इसके साथ फ्यूज हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो द्वितीयक केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक, ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, द्वितीयक केंद्रक, इसका फ्यूजन हो जाता है आपका नर युग्मक के साथ, नर युग्मक के साथ। ये दोनों क्या बना लेते हैं, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, जिसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 3N, क्योंकि नरयुग्मक में एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस, ए एक न्यूक्लियस है, दो ए, तीन न्यूक्लियस हो जाते हैं, यानी कि इनके क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं और इसका एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, 3N हो गया। बहुत पूछा जाता है आपसे।
और ये हो गया आपका युग्मनज। ये क्या बना लेंगे आपके युग्मनज, और युग्मनज में दोनों ही ये फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि यन ए है और यन यानी मादा युग्मक भी यन होता है और नर युग्मक, युग्मक हमेशा अवगुणिती होता है यानी कि हैप्लॉयड होता है। ये होता है पूरा दोहरा निषेचन, और ये जो होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाते हैं दोनों। तो आपसे क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि सिनर्जी जो सेल है यानी कि सहायक कोशिका इसका कार्य क्या है, इसी में आकर के नर युग्मक क्या होते हैं मुक्त होते हैं, इसके बाद निषेचन में वो भाग लेते हैं। जो यहाँ पे मादा युग्मक उसके साथ संगठित होता है और दूसरा पोलर न्यूक्लिया एक साथ होता है, ये दोहरा निषेचन होता है। इसकी खोज वगैरह जो पहले स्क्रीन शॉट लीजिए, इसकी खोज भी बता देते हैं आपको, पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, यानी ये यही चीज है मेन आपकी। देखिये दोहरा निषेचन एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही है और इतना ही आपसे पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था, तो नवासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में फिटलेरिया विलियम नामक पौधे में किया था। तो एक नोट में यहाँ पॉइंट नोट कर सकते हैं इसमें कि दोहरा निषेचन की खोज, दोहरा निषेचन की खोज, निषेचन की खोज यस जी नामक वैज्ञानिक ने फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम नामक पौधे में 1898 ईस्वी में किया था। यह पूरा दोहरा निषेचन। तो आपको एडिशनल पॉइंट होता है, आप विशेष लक्षण होता है, सबसे पहले आपको दोहरा निषेचन समझना है क्या टाइप का है। दोहरा निषेचन अगर देखा जाए तो केवल आवृत बीजी पौधे में, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, चार ऑप्शन दे देता है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें बताइए किसमें दोहरा निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो केवल और केवल किसमें पाई जाती है, आवृत बीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि होता क्या था, पहले दिमाग में कि दोहरा निषेचन है तो दो बार निषेचन होगा, एक बार युग्मक संलयन, दूसरा त्रिसंलयन, यही दोनों ग्लूकोज के अंदर होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं। और सारी चीजें डिटेल्स बता दी गई है, आप इस वीडियो को देखिए, इससे बेहतर वीडियो शायद आपको न मिले। थैंक यू, धन्यवाद।